इस पूरे गेमिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेज कैरेक्टर कौन कौन है, यही जानना चाहते हो ना? तभी तो ये वीडियो खोला है। और अगर आप उन फास्ट कैरेक्टर्स के नाम जानते भी होगे, तो ये तो जरूर जानना चाहते होगे कि थर्ड पे कौन है, सेकंड पे कौन है और फर्स्ट पे कौन। तो एकदम सही वीडियो खोला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे गेमिंग हिस्ट्री में टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स तेज होते हैं, कुछ और तेज होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स तो सिर्फ अपनी स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं। तो इन कैरेक्टर्स की स्पीड को रैंक करने में कितना मजा आएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, जो गेमिंग कैरेक्टर टॉप 10 नंबर पे है, उसका नाम है अल्बर्ट वेस्कर। इंडीड, टॉप 10 पे तो इस कैरेक्टर को आना ही था, क्योंकि इसके बॉस फाइट में हम सिर्फ एक ही चीज से इरिटेट होते थे, और वो है इसकी स्पीड से। ये साला कभी भी कहीं से भी आ जाया करता था और हमें कहीं से भी मारा करता था। अगर बात करें प्रॉपरली इसकी स्पीड के बारे में और इस बारे में कि इसकी स्पीड कितनी है, तो वो मेजर इतनी की गई है कि इसको नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। इसलिए हमें ये लगता था कि ये बंदा टेलीपोर्ट कर रहा है। वेस्कर इजिली बुलेट से डॉज कर लेता है, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। इसका मतलब अगर उसके सर के आगे भी कोई गोली चलाए तो वो उससे भी डॉज कर सकता है। और हाँ, वेस्कर के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वेस्कर बहुत ही इजीली प्रोजेनिटर वायरस के 4 डोजेस ले सकता है, और उस वक्त वो अपने अल्टीमेट डोज पर होगा, और उस वक्त वो 840.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन कर सकता है, और ये एक ह्यूमन के लिए लिटरली इम्पॉसिबल बात है। ऑफ कोर्स इतनी तेज कोई बंदा भाग रहा है तो वो कैरेक्टर इस लिस्ट में तो आएगा ही। और गाइज, अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि 840.5 किलोमीटर पर आर कितना है, तो रकून सिटी के अराउंड 5 टाइम्स दौड़ सकता है, वो भी 0.43 मिली सेकेंड में। ओके, जो कैरेक्टर टॉप 9 पर है वो है रेडिन। ना, मॉर्टल कॉम्बैट वाला रेडिन नहीं, ये निंजा फ्रीक। मैं पहले ही ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेडिन वेस्कर से धीरे दौड़ता है, बट बात सिर्फ दौड़ने या भागने की नहीं है, बात है कि कोई कैरेक्टर कितनी तेज रिफ्लेक्सेस शो कर सकता है और कितनी तेज अटैक कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स रेडिन का अटैकिंग फ्रीक्वेंसी वेस्कर से ज्यादा है। चलिए, अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर कितना तेज। सो एक टेस्ट के अकॉर्डिंग रेडिन को मेजर किया गया है एक नॉर्मल ह्यूमन से 13 टाइम्स ज्यादा तेज, वो भी तब जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में हो। और अगर वो अपने रिपर ब्लेड मोड में आ गया तो वो बंदा हुसैन बोल्ट से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। रीडिंग के रिपर मोड में वो वॉक या रन कर सकता है 364 माइल पर आर में। तो अल्टीमेटली ये स्पीड वेस्कर से ज्यादा हुई। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये स्पीड कितनी तेज है, तो 364 माइल पर आर की स्पीड दुगनी है इस वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट कार से। चलिए, अब हमारे चाचा रेडिन टेलीपोर्टेशन कंपनी खोलेंगे, जहाँ पे हमें उनके पीठ पर बैठना होगा और वो हमें टेलीपोर्ट करवाएंगे इस शहर से दूसरे शहर पर। ऑलराइट, जो गॉड टॉप 8 नंबर पे आ पाया है वो है हर्मीज। यस, हर्मीज को तो इस लिस्ट में आना ही था, आखिर कैसे नहीं आता? क्योंकि हर्मीज ओलंपियन गॉड ही है ट्रेवलर्स, मैसेंजर, थीव्स, कॉमर्शियल, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स एंड स्पीड का। यानी हर्मीज इन सब चीजों का ही गॉड है। और अगर मैं बात करूँ हर्मीज की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो उसमें से लिटरली सारे पावर्स एंड एबिलिटीज उसके स्पीड पर ही बेस्ड है। वो सिर्फ अपनी स्पीड के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि हर्मिस के पास है उसके विंग्ड बूट्स, जिसको पहन के वो बहुत ही इंप्रेसिव एजिलिटी एंड स्पीड को मैग्नीफाई कर सकता है बियॉन्ड सुपर ह्यूमन लेवल तक, और ये उसे अलाउ करती है कॉम्बैट में अनटचेबल बनाने के लिए। यानी हर्मिस को लिटरली कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना ही तेज है। हर्मिस ने बहुत ही अमेजिंग फीट्स भी शो किए हैं, जैसे बहुत ही लंबे डिस्टेंस से कूदना, ग्रेविटी के अगेंस्ट दौड़ना, यानी कि एक सीधी वॉल पर। एंड ऑफ कोर्स हर्मिस इतना तेज है कि वो अल्बर्ट वेस्कर एंड रेडिन के फीट्स को आराम से मैच कर सकता है या उन्हें डिफीट भी कर सकता है। चलिए, अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जो टॉप 7 में आ पाने में कामयाब हुई है। एंड यस, वो है ट्रेसर फ्रॉम ओवरवॉच। ट्रेसर एक टाइम जंपिंग एडवेंचरर है जो हमेशा अपने अपोनेंट को फेस करने के लिए रेडी रहती है, क्योंकि ट्रेसर की स्पीड ही सिर्फ ज्यादा नहीं है, ट्रेसर टाइम को कंट्रोल कर सकती है। एंड यस, लिस्ट के इसी पॉइंट से वो कैरेक्टर्स आने वाले हैं जो लिटरली टाइम को स्टॉप कर सकते हैं। यानी ये कैरेक्टर्स अब होने वाले हैं नेक्स्ट लेवल के। ट्रेसर सिर्फ टाइम को स्टॉप ही नहीं कर सकती, वो अप टू 3 सेकंड्स तक टाइम को रिवाइंड भी कर सकती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टाइम के हिसाब से 3 सेकंड बहुत ज्यादा है। जरा सोच के देखिए,
आप 3 सेकंड्स में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन भी दबा सकते हैं। यकीन नहीं होता तो करके देखिए, फिर आप भी इस लिस्ट के टॉप नंबर पे आ सकते हैं। एनीवे, ट्रेजर ये सब कैसे कर लेती है, चलिए इस बारे में थोड़ा डीप में जाते हैं। ट्रेजर के पावर्स एंड एबिलिटीज में से एक है ब्लिंक पावर, और इस पावर के हिसाब से ट्रेजर अपने ही बॉडी के टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। मतलब वो शॉर्ट डिस्टेंस स्पीड्स को रिसेंबल करके टेलीपोर्ट कर सकती है, वो अपने ही स्पीड को बूस्ट कर सकती है एज वेल एज स्लो भी कर सकती है। यानी कि जब वो किसी बिल्डिंग से गिर रही हो तो वो अपने बॉडी को ही स्लो कर देगी। और ट्रेजर के पास एक और पावर है जिसको कहते हैं रिकॉल, और इस पावर के हिसाब से ट्रेजर अप टू 3 सेकंड्स तक पास्ट में जा सकती है, जिससे उसके सारी हेल्थ पोजीशंस एज वेल एज एमओ वापिस आ जाती है। इसका सीधा सीधा यही मतलब बनता है कि ट्रेजर वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर है गेमिंग में। ऑलराइट गाइस, अब बढ़ते हैं टॉप 6 की तरफ, और वो है यस असुरा। वेट, असुरा यहाँ कैसे आ गया? असुरा तो अपने पावर एंड रेज के लिए जाना जाता है। सो असुरा इतना फास्ट कैसे है? वेल, मैं जब भी असुरा के पावर एक्सप्लेन किया करता था तो हमेशा उसमें स्पीड तो आया ही करती थी। असुरा जितना पावरफुल है लिटरली वो उतना तेज भी है, क्योंकि मैंने ये बात कई बार एक्सप्लेन की है कि असुरा जब अपने असुरा डिस्ट्रक्टर वाले फॉर्म में आता है तब उसने अर्थ से मिल्की वे तक को क्रॉस कर लिया था, वो भी कुछ सेकंड्स में। इनफैक्ट वो है ही इतना बड़ा उस फॉर्म में कि वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक कुछ मिलीसेकंड्स में ही चला जा सकता है। सो अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना तेज होगा। है। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ, और उस लड़की का नाम है लाइटनिंग फ्रॉम फाइनल फैंटेसी। लाइटनिंग इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जानती है, और इंडीड वो इतनी तेज है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो कभी आपको इस तरफ दिखेगी तो कभी दूसरी तरफ। वो कब, कैसे, कहां से, क्यों, नहीं क्यों नहीं, अटैक कर दे आपको खुद नहीं पता चलेगा। लाइटनिंग की सिर्फ स्पीड ही इतनी तेज नहीं है, लाइटनिंग एनर्जी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। यानी कि उसको कहीं ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वो टेलीपोर्ट कर सकती है। एंड यस, लाइटनिंग के अटैक्स भी उतने ही तेज हैं कि उसको एक नॉर्मल बंदा देख भी नहीं सकता है। सो इसलिए लाइटनिंग इस लिस्ट के टॉप 5 नंबर पे आ पाई है। ओके गाइज, जो कैरेक्टर इस लिस्ट के टॉप 4 नंबर पे आ पाया है उसका नाम है वर्जिल। भाई, हम इस लिस्ट में टॉप 10 फास्टेस्ट कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और इस जगह पे वर्जिल ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्जिल जाना ही जाता है अपने स्पीड के लिए। वर्जिल के अटैक्स लिटरली इतने तेज हैं कि जब मैंने पहली बार वर्जिल का वॉक थ्रू खेला था तो मैं स्टंड रह गया था। वर्जिल के अटैक्स इतने तेज हैं कि वो कब अटैक करके अपने एनिमी को 100 different parts में काट दे और कब अपनी तलवार वापस रख ले, ये किसी को दिखाई तक नहीं देता। यस, वर्जिल का एक मूव है जिसका नाम है जजमेंट कट, और इस मूव में वर्जिल अपने सोर्ड को इतनी तेज निकाल के इतनी तेज अटैक करता है कि हम वर्जिल को उसकी सोर्ड निकालते हुए भी नहीं देख पाते हैं। बस हम देखते हैं तो उसके आगे एनिमी को दम तोड़ते हुए। एंड यस, वर्जिल भी जानता है टेलीपोर्टेशन, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर हम वर्जिल को फाइट करता हुआ देखते हैं तो हमें ये तक पता नहीं चलता कि वर्जिल अपने एनिमी को कब, कहां और कैसे अटैक कर रहा है, बस उसका एनिमी मरता रहता है। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करेंगे उस गेमिंग कैरेक्टर के बारे में जो इस लिस्ट के टॉप 3 नंबर पे आ पाया है। एंड यस, अगर वो कैरेक्टर टॉप 3 पर है तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि ये कैरेक्टर वर्जिल, लाइटनिंग, हर्मीज, वेस्कर, इवन ट्रेसर से भी ज्यादा तेज है, और उसका नाम है फ्लैश। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्लैश किस गेम्स में अपीयर हुआ है तो वो है इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस। और सिर्फ इनजस्टिस गॉड्स में ही नहीं, फ्लैश इंटायर गेमिंग वर्ल्ड का टॉप 3 फास्टेस्ट कैरेक्टर है। और ऐसा हम इस बात से जान सकते हैं कि फ्लैश का एक मूव है जिसमें वो अपने एनिमी को पहले पंच करता है और वो पूरा वर्ल्ड के एक चक्कर लगा के वापस अपने एनिमी को पीछे से पंच करता है। तो आप समझ जाइए कि बंदा कितना तेज है। इंडीड, गेम में भी फ्लैश के पास वो सारे एबिलिटीज एंड स्पीड के फीड्स हैं जो मूवीज में दिखाए गए हैं, यानी कि वाइब्रेशन हीलिंग, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आर पार हो जाना, एंड यस गॉड लाइक स्पीड जिसे वो टेलीपोर्ट तक कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि फ्लैश के बारे में मुझे कुछ और बताने की जरूरत है, सिर्फ फ्लैश नाम ही काफी है। ऑलराइट गाइस, अब बात करेंगे उस बाप कैरेक्टर के बारे में जो इस लिस्ट के टॉप 2nd नंबर पे आने के लिए डिजर्व करता था, एंड बिना किसी डाउट
उस कैरेक्टर का नाम है सोनिक हेजहॉग। भाई सोनिक सेकंड नंबर पे आगे फर्स्ट पे कौन है पता चलेगा। वेल सोनिक के फीट्स एंड एबिलिटीज के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर मैंने पूरी इंटायर वीडियो बना रखी है। बट मैं इतना आइडिया दे सकता हूँ, सोनिक के नॉर्मल फॉर्म में सोनिक 915 माइल पर आवर से लेकर 3840 माइल पर आवर तक इजिली दौड़ सकता है, वो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में। अभी तो हमने सोनिक की सबसे फास्टेस्ट यानी सोनिक के हाइपर हेजहॉग फॉर्म के बारे में बात भी नहीं की। एंड सोनिक 768 माइल पर आवर की स्पीड से बैकवर्ड यानी पीछे पीछे दौड़ सकता है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे में कितना दम है, यानी इस बंदे के लेग्स में कितना दम है। सोनिक ब्लैक होल की ग्रेविटी से भी स्केप कर चुका है सिर्फ अपने स्पीड के बलबूते पर। सोनिक इतना तेज है कि वो एक सर्कल में दौड़े तो टाइम ट्रेवल से लेकर एक टोर्नेडो तक क्रिएट कर सकता है, वो भी बहुत इजिली। सोनिक इतनी तेजी से एक्सलरेट करता है कि वो दौड़ने की स्टार्टिंग में ही साउंड बैरियर को तोड़ देता है। वेल गाइस, अगर सोनिक अपने हाइपर फॉर्म में आ जाए तो वो अपने स्पीड को इंटू 10 टाइम्स ज्यादा इनहेंस कर सकता है, यानी कि उसके पास हर चीज गॉड लेवल की आ जाती है। अगर वो हो स्पीड की या ड्यूरेबिलिटी की, हर चीज गॉड लेवल की होती है। एंड इस फॉर्म में सोनिक लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होता है। इंडीड, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज। ऑलराइट, अब वक्त आ चुका है जब हम उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो इस लिस्ट के नंबर पे आ पाई है। और सोचिए गाइस, ये कैरेक्टर इतनी तेज है कि ये फ्लैश एंड सोनिक से भी ज्यादा ऊपर रैंक कर पाई है। एंड यस, ये है सिर्फ और सिर्फ मेरी बेयोनेटा। वेल, मेरी और आपकी बात नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर बात करें इसकी फीट्स एंड स्पीड के बारे में तो बेयोनेटा लिटरली कोई जोक नहीं है। बेयोनेटा सीरियसली टाइम को स्टॉप कर सकती है। स्टॉप मीन्स स्टॉप, मतलब खत्म, स्टॉप। और वो वहाँ पे जो चाहे जितना टाइम तक चाहे कुछ भी कर सकती है और वापस टाइम को रिज्यूम कर सकती है। और नॉर्मल वर्ल्ड में जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बेयोनेटा कितने भी घंटे कितने भी दिन बिता सकती है और वो नॉर्मल टाइम में उसी वक्त वापस आ सकती है। एंड गाइज, हम यहाँ पे बेयोनेटा के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड के बारे में। और उसकी स्पीड इतनी है कि हमें ये आइडिया तो इजिली मिल जाएगा कि बेयोनेटा पूरे गेमिंग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेज है। वेल गाइज, ऐसा मैं किन फीट्स के बेसिस पे कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, बेयोनेटा टाइम को स्टॉप कर सकती है। और लिटरली गाइस, वो ऐसा गेम में हर बार करती ही रहती है। जैसे कि बेयोनेटा 1 के स्टार्टिंग में ही सिटी में एंटर कर रही थी एक आदमी के साथ कार में, तब पीछे से एक जेट प्लेन क्रैश होने वाला था उन्हीं के कार पर, और तब कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बेयोनेटा उस वक्त टाइम स्टॉप करती है, कायदे से अपने दोस्त के साथ बातचीत करती है, लड़ाई करती है और दुनियादारी। फिर वो अपने नॉर्मल टाइम में वापस आती है, वो भी पहली नहीं, दूसरी या तीसरी फुर्सत में, और वापस कार को उसकी जगह पे रखती है, उस आदमी को उसके कार में बैठाती है और उसका जेट प्लेन उसके ऊपर से चला जाता है, बस जैसे उसके लिए टाइम बस एक मजाक हो। सो इसलिए गाइस, बेयोनेटा इस लिस्ट के टॉप नंबर पे आ पाई है। और यस, ये कहना सेफ होगा कि बेयोनेटा इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है। जहां वेस्कर बुलेट से डॉज कर सकता है, वहां बेयोनेटा बुलेट्स को रोक सकती है। वेल गाइस, यही थी मेरी लिस्ट उन टॉप 10 कैरेक्टर्स की जो सिर्फ अपने स्पीड के लिए ही जाने जाते हैं। और ये कैरेक्टर्स इतने तेज हैं कि इनको खेलते समय आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। वेल गाइज, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आप इस लिस्ट के टॉप नंबर पे डिजर्व करते थे, तो बहुत तेजी से बिल्कुल फ्लैश एंड बेयोनेटा के स्पीड को मैच करते हुए उस रेड वाले कलर के बटन को रेड से ग्रे कर दें। सो गाइज, मैं होप करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।